तो आपका आज हम लोग हमारे एथ लाइव सेशन में दोस्तों सीआईवी का हमारा लाइव सेशन डेली रात नौ बजे आपको हमारे YouTube चैनल पे डेली मिल जाएगा तो जरूर आप इसका लाभ उठाएं आज के इस लाइव सेशन में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे ए वी एफ एम के एम सी क्यूज यूनिट नंबर सेवन यूनिट नंबर सेवन बेस्ड है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज तो दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि एक क्वेश्चन में जैसे एम सी क्यूज है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो समझाऊंगा और केवल क्वेश्चन ही नहीं दोस्तों हम लोग उसके एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे जैसे ब्रिज फाइनेंस है तो ब्रिज फाइनेंस होता क्या है उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे डिस्कस करेंगे तो अंतिम तक बने रहें इस पार्टिकुलर वीडियोस में आपको सारा का सारा कांसेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप जानते होंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बारे में बेसिकली ये प्लान है इसमें आपको पीडीएफ मिलता है आपको वीडियोस मिलते हैं आपको दोस्तों uh, 3000 प्लस एमसीक्यूज मिलते हैं आफ्टर दैट यू गेट डेली क्विजज डेली क्विज जितने भी हम कंडक्ट कर रहे हैं सभी आपको एक जगह प्लेटफार्म पे मिलेंगे और लास्टली दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे तो ये पांच पांच बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं इस कॉम्प्रिहेंस प्लान में और दोस्तों आज आपको उस पर दस परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको क्या करना है कूपन कोड को यूज करना है कॉम्प्रिहेंसिव टेन तो कहां कूपन कोड को यूज करना है तो दोस्तों हमारे ऐप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए का लिंक पे है इसका पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा और साथ ही साथ दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी ऐप का लिंक देख सकते हैं वहां पर जाना है और बेसिकली ये टेन ऑफर को ग्रैप करना है ये ऑफर आज के लिए वैलिड है तो फ्रेंड्स को किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आप अपीयर हुई इनर फॉर सी आई वी आईदर ईवीएम बी आरबीएल और इंटायरली ऑल सब्जेक्ट्स तो दोस्तों आपको टेन परसेंट का ऑफर मिलेगा तो प्लीज आप इस डिस्काउंट कूपन को, को यूज करें ऐप को इंस्टॉल करें और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इंस्टॉल करें चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं आज के पहला क्वेश्चन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिज फाइनेंस क्या होता है ठीक है तो क्वेश्चन है व्हाट इज अ ब्रिज फाइनेंस तो आइए दोस्तों समझते हैं प्रत्येक ऑप्शन को जरा देखते हैं पहला ऑप्शन कह रहा है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द बैंक तो देखिए ये हमारा ब्रिज फाइनेंस नहीं है क्यों क्योंकि दोस्तों ब्रिज फाइनेंस एक शॉर्ट टर्म लोन होता है ब्रिज फाइनेंस क्या होता है दोस्तों ब्रिज फाइनेंस इज शॉर्ट टर्म लोन ठीक है तो बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन होता है लेकिन दोस्तों ये बैंक प्रोवाइड नहीं करती है इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन विच इज नॉट प्रोवाइडेड बाय बैंक लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है प्रोवाइडेड बाय द बैंक तो दोस्तों ये कौन प्रोवाइड करेगा ब्रिज फाइनेंस तो ब्रिज फाइनेंस प्रोवाइड करती है कोई भी एफ आईज एफ मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वेंचर कैपिटल फर्म ठीक है या या दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंक तो इस तरह के जो है हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्टमेंट बैंक ये सभी शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है mm -hmm. दोस्तों इसीलिए ये जो क्वेश्चन ऑप्शन है कि शॉर्ट टर्म फंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड बाय द बैंक दिस इज रॉन्ग तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग ऑप्शन बी में कह रहा है कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोस्तों ये भी ब्रिज फाइनेंस नहीं है दिस इज ऑल्सो नॉट अ ब्रिज फाइनेंस वाई क्यों ये ब्रिज फाइनेंस नहीं है दोस्तों mm -hmm. क्योंकि दोस्तों ये ब्रिज फाइनेंस एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जिसको यूज किया जाता है तो पहले देखिए ब्रिज फाइनेंस होता क्या है सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि ब्रिज फाइनेंस एक शॉर्ट टर्म लोन होता है नेक्स्ट mm -hmm. इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि हम जो है आ, गैप को ब्रिज कर ले। नाम ही लगा है ना ब्रिज फाइनेंस। तो इसका पर्पस ये है कि गैप जो भी है उसे हम ब्रिज करें, उसे कम करें। ठीक है। तो जब तक लॉन्ग टर्म फाइनेंस को आप सिक्योर ना हो जाए, अंटिल लॉन्ग टर्म फाइनेंस ही सेक्यूर ठीक है तो यही इसका मेन पर्पज है भी गैप को ब्रिज करना जब तक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सिक्योर ना हो जाए तो लॉन्ग टर्म लोन्स को इस परपज के लिए यूज नहीं करते और यहां लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म लोन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग चलिए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपसे कहा जा रहा है कि अ लोन विच इज प्रोवाइडेड बाई फ्रेंड्स एंड फैमिली बताइए क्या ये ब्रिज फाइनेंस होगा या फ्रेंड्स या फैमिली जो लोन प्रोवाइड करेंगे देखिए मैं बताता हूँ दोस्तों इसे ब्रिज फाइनेंस माना जा सकता है लेकिन यह मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रिज फाइनेंस नहीं है इट कैन बी कंसिडर्ड बट नॉट मोस्ट कॉमन इसे आप मान सकते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रिज फाइनेंस नहीं है क्योंकि फ्रेंड और फैमिली लोन को कहा जाता है उसे आप दोस्तों अपना मनी का स्मॉल पोर्शन कवर कर सकते हैं किसी स्टार्टअप कंपनीज को जो कि स्ट्रगल कर रही है टू गेट ऑफ द ग्राउंड मान लीजिए कोई स्टार्टअप कंपनी है उसे पैसे की सख्त रिक्वायरमेंट है तो वो फ्रेंड से या फैमिली से लोन से ले सकता है ठीक है तो दोस्तों ब्रिज फाइनेंसिंग में क्या होता है ब्रिज फाइनेंस से दोस्तों आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करते हैं किसी कंपनी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए ये क्या करता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी किसे प्रोवाइड करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मनी तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करते हैं किसी कंपनी को ये प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू कंपनी लेकिन ये जो हमारा अभी जो आपको मैंने बताया फ्रेंड और फैमिली ये शॉर्ट टर्म लोन होता है राइट शॉर्ट शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी होता है तो कहने का मतलब कि ये जो लार्ज जो हमारा ब्रिज फाइनेंस होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड किया जाता है कंपनी को जो कि स्टैब्लिश पोजिशन में है लेकिन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग चाहिए किसी स्पेसिफिक फंड एक्सपेंशन के लिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है कि फंड रिक्वायरमेंट एन बाय द लॉन्ग टर्म लैंडर समझिए द ब्रिज फाइनेंस एक शॉर्ट लोन है पहला पॉइंट याद फाइनेंस के बारे में कैसा लोन है तो दोस्तों ब्रिज फाइनेंस एक शॉर्ट टर्म लोन है दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इसको यूज किया जाता है, है तो गैप फिलिंग में काम आता है किस, किसी के में गैप फिलिंग में, तो जब किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो जब कम कंपनी को पैसा चाहिए राइट सो वेन द कंपनी नीड्स मनी और उस समय में ये तो पहला केस है और दूसरा समय क्या है कि एंड द टाइम वेन इट इट कैन एक्चुअली रिसीव लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और जिस समय में इट कैन रिसीव लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना उसे हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं राइट तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ समझ में आया ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है शॉर्ट टर्म लोन होता है गैप फिलिंग को यूज किया जाता है जिस वक्त को कंपनी जिस वक्त कंपनी को पैसा चाहिए और जितना ये रिसीव कर सकती है लॉन्ग टर्म उसके बीच का डिफरेंस देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जैसे मान लीजिए कि कंपनी को बॉरो करना है मनी ताकि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च है सपोज कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च है तो इसके लिए दोस्तों कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च के लिए फंड ये फंड करना है राइट पैसा बारो करना पड़ेगा फंड करने के लिए लेकिन दोस्तों ये जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस इसे नहीं मिल पाएगा जब तक प्रोडक्ट जो है एक्चुअली मार्केट पे ना हो और रेवेन्यू ना जनरेट करे तो इसे क्या नहीं मिल पाएगा दोस्तों लॉन्ग टर्म लोन नहीं मिल पाएगा राइट right. कब तक लॉन्ग टर्म लोन नहीं मिलेगा जब तक ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग तब तक नहीं होगा जब तक प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली मार्केट में हो और इसके लिए रेवेन्यू जनरेट करे लेकिन दोस्तों जो कंपनी है वो क्या करेगी ब्रिज फाइनेंसिंग को यूज करेगी ताकि अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंस को कवर कर सके ताकि ये सिक्योर कर सके लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को जब तक ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को सिक्योर ना कर ले देखिए सिंपल सी बात है कि ये जो पार्टिकुलर कंपनी है इसको चाहिए लॉन्ग टर्म लोन लेकिन लॉन्ग टर्म लोन मिलने से रहा अभी क्योंकि अभी ये स्टार्ट ही हुई है तो जब तक लॉन्ग टर्म लोन नहीं मिलता है तब तक ये ब्रिज फाइनेंसिंग को यूज करेगी अपने अपने, अपने

कंट्रीब्यूट एंड उ मच दिस वो फॉर बोरो फॉर मनी फ्रॉम अदर सो फ्रेंड्स ये बेसिकली क्या ही सही है? <laughs> तो सही, है, सही है तो दोस्तों ये सही है सही जवाब है तो देखिए ये दिस इज द करेक्ट आंसर व्हाई दिस इज करेक्ट आंसर बिकॉज यू नो दिस डी आर डी आर मीन डेफ्टिक रेशियो तो डेफ्ट टिकट रेशियो एक फाइनेंशियल रेशियो है जो कि मेजर करता है कि कितना डेफ्ट अमाउंट ऑफ डेप्ट अ कंपनी हैज विद रिस्पेक्ट टू इट इक्विटी तो कितना डेप्ट है किसी कंपनी का विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी ये कौन बताता है हमें डी आर बताता है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको डी आर का फॉर्मुला बता दूं तो लेट मी सो यू द फॉर्मुला ऑफ डी आर डी आर का दोस्तों फॉर्मुला होता है कि कंपनी का टोटल लाइबिलिटी तो कंपनी का टोटल को इसको में लिख दीजिए और टोटल शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो इसको डिनोमीटर में लिख दीजिए राइट तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों डी आर डेफ्ट डिक्विटी रेशियो तो सिंपल सा चीज़ है कि आपका डेफ डिग्री रेशियो का निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप कंपनी का टोटल लेबिलिटी डिनोमीटर में और टोटल सेल होल्डर इक्विटी को डिनोमीटर में अच्छा अब ये बताइए कि डी आर हाई होगा तो क्या मतलब है डी आर यदि हाई है ना दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है डेफ्ट फाइनेंसिंग पर ज्यादा भरोसा करती है कंपनी इज मोर रिलियंट ऑन डेफ्ट फाइनेंसिंग ठीक है तो ये डी आर हाई होने का कॉन्सिक्वेंस है तो दोस्तों डेफ्ट इक्विटी रेशियो इन्वेस्टर यूज करते हैं क्रेडिटर यूज करते हैं ताकि कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को एसेस कर सकें तो दोस्तों ये सही जवाब है कि नॉर्म्स दैट डिटरमाइन हाउ मच इक्विटी प्रमोटर शुड कंट्रीब्यूट एंड हाउ मच शुड बोरो फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ ऑफ बिजनेस ऑल टू इट क्रेडिटर देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है डेफ्ट इक्विटी रेशियो राइट इक्विटी रेशियो एक मेजर है कि कितना डेफ्ट जो है कंपनी के पास है केवल यह नहीं बताता कि कितना डेफ्टो क्रेडिटेड यहां पे लिखा है ना को केवल इतना नहीं बताता डेफ्ट इक्विटी रेशियो ये बताता है कि टोटल अमाउंट ऑफ डेफ्ट कितना है इट टोटल डेफ्ट और ये स्पार्ट हो गया नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ इक्विटी ऑफ बिजनेस है क्या मतलब हुआ दोस्तों कितना इक्विटी बिजनेस के पास है दैट इज द क्वेश्चन सर so, दोस्तों ये भी करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि इक्विटी रेशियो मेजर होता है कितना इक्विटी कंपनी के पास है केवल इक्विटी फ्रंट देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे एक छूट गया है द अमाउंट ऑफ इक्विटी ऑफ बिजनेस है विद विश शेयर होल्डर यहाँ पे विथ शेयर होल्डर होगा देखिए डेफ इक्विटी रेशियो में जो इक्विटी होता है ना वो टोटल इक्विटी की बात होती है यहाँ पे केवल ये इक्विटी की बात नहीं होती है कितना इक्विटी उसका शेयर होल्डर से लिया है तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर सही है समझ में आ गया डेफ इक्विटी रेशियो होता क्या है चलिए वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या है वाट इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस आइए समझते हैं दोस्तों ऑप्शन को जरा देखिए ऑप्शन ए नंबर रहा है फाइनेंस रिक्वायर्ड टू मैनेज मैनेज एंड एंड द गैप बिटवीन करंट एसेट आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है दोस्तों यही सही जवाब है है कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होता है, वो बेसिकली क्या होता है कितना पैसा बिजनेस को फंड करना पड़ेगा अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए तो ये याद रखिएगा कि डे टू डे ऑपरेशन के लिए जितना पैसा कंपनी को फंड करना पड़ेगा वो होता है हमारा दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ठीक है तो इसको यूज करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ थिंग कवर करने के लिए दोस्तों इट इज़ यूज टू कवर द डे कॉस्ट ऑफ थिंग जैसे कि इन्वेंट्री हो गया अकाउंट डिसेबल हो गया तो डे टू डे में क्या क्या आएगा इन्वेंट्री आएगा राइट अकाउंट डिसेबल आएगा ओके एंड देन आफ्टर अकाउंट्स पेबल आएगा तो बिजनेस के पास दोस्तों इनफ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए ताकि इंश्योर कर सके कि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करें ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि फाइनेंस रिक्वॉयर टू परचेज लॉन्ग टर्म डेफ्ट क्या मतलब हुआ दोस्तों ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आप यदि लॉन्ग टर्म एसेट यहाँ पे लिखा रहा है लॉन्ग टर्म एसेट लॉन्ग टर्म एसेट बेसिकली वैसा एसेट होता है जिसको यूज किया जाएगा एक से ज्यादा साल के लिए राइट right? तो जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये सभी लॉन्ग टर्म एसेट है तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से दोस्तों वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इज यूज्ड फॉर इज जनरली फॉर हाउ मच टाइम पीरियड ये लॉन्ग टर्म एसेट नहीं होगा बेसिकली यहां पे शॉर्ट टर्म नीड्स को फंड करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं वर्किंग फाइनेंस को तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है ऑप्शन सी कर फाइना टू पे ऑफ डेट दोस्तों ये भी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस नहीं है तो डेप्ट एक फाइनेंशियल ऑब्लिकेशन होता है जो कि बिजनेस को रिपे करना पड़ता है तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को हम लोग डेप्ट को रिपे करने के लिए नहीं यूज करते हैं सो नॉट यूज फॉर डेप्ट पेमेंट यानी दोस्तों डेप्ट के पेमेंट के लिए हम लोग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को यूज नहीं करते दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन डी में है कि फाइनेंस कंटेंट बाय फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग दोस्तों जो फाइनेंस चाहिए आपको मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजिंग के लिए ये भी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस नहीं है क्योंकि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक एक्सपेंस होता है जो कि इनकर्ड होता है आप जिसके मार्केटिंग uh, और एडवर्टाइजिंग वैसा एक्सपेंस है जो कि इनकर होता है ताकि आप एक बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विस को इनकरेज कर सकें तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को यूज किया जाता है डे टू डे ऑपरेशन के लिए सिंपल सी बात है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है चलिए आगे बढ़ता है लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्लीन फाइनेंस क्या होता है तो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द क्लीन फाइनेंस आइए जरा ऑप्शन को देखते हैं सी द ऑप्शन दैट वी हैव रिगार्डिंग द क्लीन फाइनेंस सो बिफोर क्लीन फाइनेंस एक एक और क्वेश्चन पहले कर लेते हैं दोस्तों व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट पे कौन सा फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कॉर्पोरेट पे करेंगे क्लीन फाइनेंस को हम लोग देखते हैं इसके बाद इसी जस्ट वी विल सी व्हाट इज क्लीन फाइनेंस बट बिफोर दैट अस सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन सो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है कि सो हेयर व्हाट आर द फैक्टर दैट डिटरमाइन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कॉरपोरेट पे करती है देखिए सबसे पहला फैक्टर है बैलेंस शीट आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको फैक्टर्स बता देता हूँ सबसे पहला फैक्टर है बैलेंस शीट ओके दिस वन सो बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ mm -hmm. दोस्तों बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि कंपनी का एसेट लाइबिलिटी और इक्विटी शो करता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में तो लैंडर जो है बैलेंस शीट को यूज़ करते हैं ताकि कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को एसेस कर सकें कि uh, क्या एसेस करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल हेल्थ एसेस करते हैं पहला पॉइंट mm -hmm. और दूसरा चीज़ क्या करते हैं दोस्तों उसकी क्षमता है कि नहीं इज एबिलिटी

तो उन्हे, उन्हें उन्हें देखना पड़ता है कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल में है या नहीं है और दोस्तों क्या ये ट्रेंड वेदर वे, वे दैट हैज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ जनरेटिंग गेन, कैश फ्लो क्या इसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है कैश फ्लो जनरेट करने का प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रही यू नो प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर होता है कि, कि कितना पैसा कंपनी बना रही है अपने एक्सपेंस को पे करने के बाद तो सबसे पहला चीज़ है कि वो अपने एक्सपेंस को पे कर दे एक्सपेंस को पे करने के बाद कितना पैसा कंपनी बना रही है तो लैंडर जानना चाहते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है क्योंकि ये इसका मतलब हुआ कि उनके पास उनके रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है डेप्ट को पेमेंट के लिए

क्रेडिट रेटिंग आप देख सकते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट क्या है हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा क्रेडिट रेटिंग यू कैन सी ईयर तो क्रेडिट रेटिंग यू नो क्रेडिट रेटिंग एक मेजर होता है कंपनी के क्रेडिट वर्धन इसका ये कौन असाइन करते हैं ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपके बारे में सुने होंगे सीआरए के बारे में सुने होंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी असाइन करती है क्रेडिट रेटिंग को तो बेसिकली ये कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ पर बेस्ड होता है परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है ट्रैक रिकॉर्ड पर बेस्ड होता है तो दोस्तों जो दूसरे फैक्टर फील्ड है बाकी में साइज ऑफ द लोन बॉर इज द रॉन्ग these are wrong correct answer is option number a balance sheet performance performance profitability track record of past servicing and repayment and credit rating so these are the factors that determine the rate of interest a corporate pays सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द क्लीन फाइनेंस तो क्लीन फाइनेंस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि क्लीन फाइनेंस होता क्या है आइए इसको डिस्कस करते हैं ऑप्शन को जरा देखते हैं एक तरह का फाइनेंस जो कि एक्सपेंसिव है लेकिन लैंडर के लिए सिक्योर नहीं है सिक्योर है राइट right? एक्सपेंसिव तो है लेकिन सिक्योर भी है लैंडर के लिए कहा जा रहा है चलिए दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि एक तरह का फाइनेंस जो कि जिसमें कोई कॉलेक्ट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टाइप ऑफ फाइनेंस विच इज नॉ रिक्वायर एनी कॉलेक्ट्रल तीसरा ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ऐसा फाइनेंस जो कि बारोर को ऑफर किया जाता जा है इसके पास पोअर क्रेडिट रेटिंग है

तो कोलेट्रल पता है क्या होता है कोलेट्रल बेसिकली एक एसेट होता है जो कि बोरोवर प्लेस करते हैं किसी लैंडर को वैसे इवेंट में यदि लोन का रिपेमेंट नहीं होगा ठीक है ध्यान दीजिएगा यदि लोन नॉट रिपेड यदि लोन का रिपेमेंट ना होगा नहीं होगा तो कोलेट्रल बेसिकली एक एसेट होता है जो कि बोरोवर प्लेस करते हैं लैंडर को ठीक है तो यदि बॉरोवर डिफॉल्ट कर जाएंगे लोन पे तो लैंडर जो है कोलेक्ट्रल बेच सकते हैं लॉसेज को रिकूब करने के लिए तो चूंकि क्लीन फाइनेंस सबसे ज्यादा सिक्योर है तो लैंडर दोस्तों हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं क्लीन फाइनेंस पे ठीक है तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंस दैट ड नॉट रिक्वायर एनी इन कोलेक्ट्रल ये गलत है कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्लीन फाइनेंस हमेशा कोलेक्ट्रल चाहिए यदि किसी लोन के पास कोलेक्ट्रल नहीं है तो उसे रिस्की माना जाता है लैंडर के लिए ठीक है तो दोस्तों इसका सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ इन करेक्ट ऑप्शन सी में कर रहा है कि अ टाइप ऑफ फाइनेंस दैट इज ऑफर्ड बाय बॉरो विद अ पोअर क्रेडिट हिस्ट्री बताइए क्या कोई बॉरो जिसके पास पोर क्रेडिट हिस्ट्री है उसे क्लीन फाइनेंस ऑफर करेंगे आप दोस्तों ये भी गलत नहीं है ये भी गलत है क्योंकि क्लीन फाइनेंस दोस्तों स्पेसिकली ऑफर किया जाता है वैसे बॉरो को जिनके पास पोअर क्रेडिट हिस्ट्री है लेकिन बॉरो जिनके पास हाइवर विथ पोअर देखिए अब यदि पोअर क्रेडिट हिस्ट्री रहेगा ठीक है तो वो क्या होगा वो क्लीन क्लीन फाइनेंस के लिए क्वालिफाई होगा बिकॉज दे आर कंसिडर टू बी लो रिस्की फॉर लैंडर्स ठीक है तो ये क्लीन फाइनेंस भी नहीं है क्योंकि यहां पे क्रेडिट वर्धिनेस भी इंपॉर्टेंट होती है ठीक जिसके बॉडोर के पास पोअर क्रेडिट हिस्ट्री होगा वो दोस्तों क्वालिफाई करेगा क्लीन फाइनेंस के लिए बिकॉज दे आर कंसिडर टू बी लोअर रिस्क फॉर लैंडर ठीक है सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए

ओके लेट्स सी द ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट ऑप्शन बी में कह रहा है अनसिक्योर लोन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड दोस्तों ये वो लोन होता है जो कि जिसमें कोई कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेट्रल ओके सो तो ये दोस्तों ऑफर किया जाता है बोरोवर को जिसके पास पोअर क्रेडिट हिस्ट्री है या दोस्तों जो क्वालिफाई नहीं होते हैं क्लीन विल फाइनेंशियल लोन के लिए उन्हें तो अनसिक्योर लोन जो है एक अच्छा ऑप्शन है बॉरोवर के लिए जिनको स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी चाहिए और जिनके पास अच्छा रिलेशनशिप नहीं है लेनर के साथ लेकिन दोस्तों दो उसे यूज किया जाता है टू मेक द बोरो फॉल्टी सो अनसेक्योड लोन वी हैव टॉक्ट अबाउट दिस अनसे लोन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स ओके तो क्योंकि ये रिस्की है बॉरोवर के लिए क्योंकि उनके पास कोई कॉलेक्टर नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए इन देंट ऑफ डिफॉल्ट नेक्स्ट इज क्राउड फंडिंग क्राउड फंडिंग कंपनी वट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्राउड फंडिंग कंपनी यू नो वाट इज क्राउड फंडिंग दिस क्राउड फंडिंग एक एक तरीका होता है दोस्तों जिससे आप जो है पैसा रेज कर सकते हैं बहुत सारे लोगों से टिपिकली यदि हम बात करें सो क्राउड फंडिंग इज अज इज अ वे टू रेज मनी तो क्राउड फंडिंग तरीका है कि आप पैसा रेज कर सकते हैं बहुत सारे लोगों से तो टिपिकली क्या होता है क्राउड फंडिंग में तो क्राउड फंडिंग कंपेन होता है जिसको यूज़ किया जाता है पैसा रेज करने के लिए बहुत सारे पर्पज़ के लिए जैसे स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट और क्रिएटिंग अ सोशल इंपैक्ट प्रोजेक्ट तो क्राउड फंडिंग अच्छा ऑप्शन है बॉरोवर के लिए जिनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है और जिनके पास दोस्तों क्रिएटिव तरीका है अपने स्टोरी को बताने के लिए तो क्राउड फंडिंग कंपनी इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल नेक्स्ट इज सेलिंग इक्विटी शेयर टू द पब्लिक क्या मतलब हुआ तो ये भी तरीका है बिजनेस को अपने कैपिटल को रेज करने के लिए शेयर के लिए ऑफ से शिप ओके सो दिस ऑल्सो वे तो सो इन ऑल द केसेज यू कैन सी करेक्ट आंसर इज आप यहां देख सकते हैं दोस्तों अदर सोर्स की बात करें सो दिस ऑल्सो सेलिंग इक्विटी सेट सो ऑल द ऑल द ऑप्शन आज करेक्ट नाउ बिफोर बिगनिंग दिस पार्टिकुलर लेसन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो प्लान्स हैं जैसे कॉम्प्रहेंसिविव प्लान्स हैं जिसमें आपको वीडियोज प्लस पी डी एफ प्लस मॉक टेस्ट एवरी थिंग यू विल गेट प्लस डेली क्विजे फॉर आल फाइव सब्जेक्ट दिस विल कॉस्ट रुपीजी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हमारा कॉम्प्रहेंसिविविविविव प्लान है दोस्तों पर पर सब्जेक्ट का सिक्स हंड्रेड रुपीज़ कॉस्ट है और दोस्तों यदि आपको जे आई वी की कॉम्प्रहेंसिविव प्लान की रिक्वायरमेंट है इट कॉस्ट रुपीज टू थाउजेंड वाली एंड फॉर पर पेपर इट इज फाइव हंड्रेड वनलीफ यू आर इंटरेस्टेड टू टू अल फॉर आल दिस थिंग प्लीज व्हाट्सएप में ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर और सो ऑन द स्क्रीन और हमारा जे आवी एंड

तो फर्स्ट ऑप्शन इज टू अवेल द बेस्ट डील तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर है hmm. क्योंकि जो लार्ज बॉरो होते हैं लेट मी लेट मी टॉक अबाउट द लार्ज बॉवर तो लार्ज बॉरो होते हैं वो रेगुलर रेटिंग एक्सरसाइज पे जाते हैं कहाँ जाते हैं रेगुलर रेटिंग एक्सरसाइज पे जाते हैं ताकि वो बेस्ट डील को अवेल कर सकें लोन पे तो so, एक ग्रूड क्रेडिट रेटिंग हेल्प करता है बॉरोवर को लोअर इंटरेस्ट रेट रेशियो मिलाने में लो इंटरेस्ट रेट रेट्स राइट और दोस्तों लॉन्ग रिपे लॉन्ग रिपेमेंट पीरियड And last year more favorable more favorable loan terms so these, these are the advantages of these uh, base deals नेक्स्ट इज टू इंक्रीज दियर क्रेडिट स्कोर व्हाट डज इट मीन तो क्रेडिट स्कोर को लैंडर यूज करते हैं ताकि एसेस कर सकें देखिए आप जब पैसा लैंड करेंगे तो उसमें रिस्क तो है ना तो उस रिस्क को एसेस करने के लिए दोस्तों क्रेडिट स्कोर को यूज किया जाता है लैंडर के द्वारा तो यदि हाई क्रेडिट स्कोर है इसका मतलब कि बॉरोवर जो है लो रिस्क पे है और दोस्तों वो अपने लोन को रिपेमेंट कर देगा इफ देगार इज हाइर क्रेडिट इज हायर क्रेडिट क्रेडिट स्कोर लेकिन दोस्तों यदि रेगुलर रेगुलर रेटिंग एक्सरसाइज है इससे बॉरो इंप्रूव कर सकते हैं अपने क्रेडिट स्कोर को तो यह केवल एक फैक्टर नहीं है जो कि लैंडर करे जब भी वो जब भी वो लैंडिंग डिसीजन ले सी ऑप्शन कर रहा है टू सिक्योर अ हाई अमाउंट ऑफ लोन क्या मतलब हुआ यदि मान लीजिए कि टू सिक्योर यदि हायर क्रेडिट रेटिंग है ये हेल्प करता है बॉरो को हायर अमाउंट ऑफ लोन को सिक्योर करने में लेकिन दोस्तों जो अमाउंट ऑफ लोन जो कि बॉरोवर शेयर कर सकते हैं विल आल्सो डिपेंड्स ऑन द बॉर फाइनेंशियल सिचुएशन नेक्स्ट पॉइंट इज टू अवॉइड पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन सो टू अवॉइड यहाँ पे है दोस्तों टू सिक्योर हाई अमाउंट ऑफ लोन तो मैं मैंने आपको बताया कि हाई क्रेडिट रेटिंग हेल्प करता है बोरो को कि वो सिक्योर करके हाई अमाउंट ऑफ लोन एंड द लास्ट पॉइंट इज टू एववाइड पेइंग इंटरेस्ट ऑन द लोन मतलब क्या हुआ इंटरेस्ट एक तरह का कॉस्ट ऑफ बॉरोइंग होता है वट इज इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ बॉरोइंग मैंने बताया था तो इंटरेस्ट एक तरह का कॉस्ट ऑफ बोरइंग होता है और बॉरोवर जो है अपने इंटरेस्ट को पे करेंगे सभी के सभी लोन पे चाहे उनका क्रेडिट रेटिंग कुछ भी क्यों न हो एक अच्छा क्रेडिट रेटिंग हेल्प करता है बोरोवर को कि उनको लोन मिल जाए सिमिलर इंटरेस्ट रेट का लेकिन ये एलिमिनेट नहीं करेगा इंट्रेस्ट ऑल टूगेदर पे करने के नीट को सो होपफुली दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी इन कॉर्पोरेट फंड कॉर्पोरेट फाइनेंस में फाइनेंशियल स्ट्रेटजी की क्या पर्पस है पहला ऑप्शन कर रहा है टू मैक्सिमाइज एडवांटेज एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ़ फंड मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये सबसे सही जवाब है क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का कॉर्पोरेट फाइनेंस में यही है मकसद है कि हम अपने एडवांटेज uh, कंपनी के जो फाइनेंशियल सिचुएशन के एडवांटेज को मैक्सीमाइज़ करें और कॉस्ट ऑफ फंड को मिनिमाइज़ करें राइट right? so how we can do it so so there are varieties of uh, mm, of subjects which are available सो so फ्रेंड्स uh, पहला ऑप्शन में देखिए जो आपको कैपिटल uh, रेज करने का है आप एडवांटेज को मैक्सिमाइज कीजिए कॉस्ट ऑफ फंड को मिनिमाइज़ कीजिए तो द पर्पज यही है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का कॉर्पोरेट फाइनेंस में ताकि हम मैक्सिमाइज कर सके कंपनी के फाइनेंशियल के एडवांटेज को तो करने के लिए क्या कर सकते हैं आप कैपिटल रेज कर सकते हैं लोएस्ट लोएस पॉसिबल कॉस्ट पे आप कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में आप वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड क्या मतलब हुआ तो ये दोस्तों फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का पर्पज नहीं होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस में फाइनेंशियल मैनेजर कैन स्टिल मैनेज नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी जो हेल्प करता है कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में लेकिन दोस्तों ये उनका प्राइमरी पर्पज नहीं है प्राइमरी पर्पज फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का ये है कि हम हम एडवांटेज को मैक्सिमाइज करें और कॉस्ट ऑफ फंड को मिनिमाइज़ करें एंड द लास्ट पॉइंट इज टू डिक्रीज द कंपनी क्रेडिट रेटिंग सो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को डिजाइन किया जाएगा ताकि कंपनी का क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई सो घटाएं नहीं तो अच्छा क्रेडिट रेटिंग दोस्तों ईजियर होगा कंपनी के लिए कि वो मनी बो कर सके फ्यूचर में और वो अपना कॉस्ट ऑफ बोइइंग को भी कम कर सकेगा सो फुलव एन दिस पार्टिकल क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट नाउ इक वट इज इक्विटी कैपिटल इक्विटी कैपिटल क्या होता है अमाउंट ऑफ मनी बॉर्डर फ्रॉम बैंक नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस दैट इज ऑन बाय प्रमोटर्स और प्रॉफिट ऑन बाय बिजनेस अवर टाइम ऑल दब सो यू नो वट इज दिस इक्विटी कैपिटल सो द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इक्विटी कैपिटल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है जो कि प्रमोटर के द्वारा खरीदा गया है उसे हम लोग इक्विटी कैपिटल कहते हैं सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ इक्विटी कैपिटल इक्विटी कैपिटल का ओरिजिन क्या है सो so, सो uh, so आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि इक्विटी कैपिटल का ऑरिजिन क्या है पहला है कि इट ऑर्जिनेटेड विथ विद अराइवल ऑफ कॉर्पोरेट इट हज़ विद द विदवल ऑफ बैंक इट ऑर्जिनेटेड विदवल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी तो ये आया था दोस्तों कॉर्पोरेट के अराइवल द विदेल ऑफ कॉर्पोरेट ऑप्शन नंबर इज करेक्ट फीचर्स क्या 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 इक्विटी कैपिटल का व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल दोस्तों फीचर्स की बात करें विफ ट फीचर्स द फीचर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इट इज डाइवर्स इंटू इट इज डिडेड इंट इन कॉल इक्विटी शेयर इट हैज सेम वैल्यू कॉल नॉमिनल वैल्यू एंड प्रोवाइड्स द होल्डर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द राइट लाइक राइट ऑफ इनकम राइट टू रिटर्निंग सरप्लस एसिड वट इज द कॉमन डॉक्यूमेंट दटर मस्ट बाई कॉमन डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं द कॉमन डॉक्यूमेंट्स आर लाइक मेमोरेंडम इन आर्डिकल ऑफ एसोसिएशन डिस्कस व कोर्स में कौन कौन से पहला कोर्स है आपको मिलेंगे पांच बेनफिट मिलने वाले हैं सेकेंड है हमारा पीडीएफ प्लान इसमें आपको यूनिट वाइज थ्योरी एंड पीडीएफ मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैकम्व प्रॉब्लम का पीडीएफ मिलेगा एंड लास्ट प्लान इज रिगारिंग सियाबी मॉकटेस फॉर ऑल फोर सब्जेक्ट आप इसमें मॉकटेस्ट डेली बेसिस मॉकटेस दे सकते हैं स्केडूल वाइज तो आपको यदि किसी प्रकार की जानकारी चाहिए जानकारी चाहिए तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं WhatsApp नंबर मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं सर नहीं तो दोस्तों आप इस ऐप पे भी जाके इस इस पार्टिकुलर कोर्स को परचेस कर सकते हैं और यू कैन आल्सो आस्क मी देयर दिस इज आवर ऐप जे आन सर वी मेड सिंपल प्लीज़ इंस्टॉल दिस आ ऐप प्लीज ऑन ऑपन सेक्शन दिस टाइप ऑफ इंटरफेस विल ऑपन एंड यू जस्ट क्लिक ऑन थ्री डॉट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ओपन फ्री मेटेरियल सेक्शन फ्री मेटेरियल सेक्शन में दोस्तों आपको डेली बेसिस पे कोज कंडक्ट किया जा रहे हैं फ्री बेसिस पे आप उसका लाभ उठा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे कर सकते हैं सो फ्रेंड्स आज का मैं आपको ऑप्शन फिर से आपको ऑफ़र फिर से बता दूँ ऑफर है दोस्तों कॉम्प्रहेंसिव टेन यानी जितने भी कॉम्प्रीहेंसिविव प्लान है उसमें टेन परसेंट का ऑफर दिया जा रहा है तो प्लीज दिस पार्टिकुलर ऑफर डोंट मिस द चान्स एंडकस इन नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स हाउ डू यू लाइक द लेक्चर प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन आपसे कोई सुझाव हो कोई कोई सजेशन हो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन